महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार में अजीत पवार के एंट्री से कला शुरू हो गई है। एनसीपी कोटे से बनाए गए नए मंत्रियों को सरकारी बंगले और कार्यालय तो मिल चुके हैं, लेकिन किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा यह अब तक तय नहीं हो पाया है। जहां तक एकनाथ शिंदे गुट की बात है तो वो अपनी मांगों पर अड़ा है, तो दूसरी ओर अजीत पवार और उनके समर्थक पीछे हटने को राजी नहीं। राज्य के प्रमुख नेताओं के बीच लंबी बैठकों के बाद भी जब पेच नहीं सुलझा तो मामला दिल्ली नेतृत्व के पास पहुंचा है। बीते 2 जुलाई को महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष रहे अजीत पवार सरकार में शामिल हो गए। चाचा शरद पवार से बगावत कर अजीत पवार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और उनके साथ 8 एनसीपी विधायकों ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। नए मंत्रियों को शपथ लिए लगभग 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अब भी मंत्रालय को लेकर सभी के हाथ खाली हैं। अब तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं हो पाया है, यहाँ तक कि खुद अजीत पवार को भी कोई हिसाब किताब नहीं सौंपा गया है। पोर्टफोलियो बंटवारे को लेकर मंथन का दौर जारी है। सोमवार के देर शाम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दोनों उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच लंबी बैठक चली। इसके बाद मंगलवार को फिर तीनों नेताओं के बीच लंबी मुलाकात हुई और बुधवार के दिन भी गहमा गहमी ही देखने को मिली, लेकिन देर रात तक चली मंथन के बाद भी पेच नहीं सुलझा। लिहाजा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारों का मामला अब दिल्ली नेतृत्व के पास पहुंचा है। बुधवार शाम प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पेच कहां फंसा है। दरअसल अजीत पवार अपनी टीम के लिए मलाईदार विभागों की मांग कर रहे हैं। उनकी खुद की नजर फाइनेंस विभाग पर है और अपने बाकी मंत्रियों के लिए राजस्व, सहकारिता, ग्राम विकास और सिंचाई जैसे मलाईदार विभाग दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। शिंदे गुट के विधायक पहले से ही एनसीपी के सरकार में शामिल होने से खफा हैं। ऐसे में अजीत पवार के मार्ग से उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई है। शिंदे गुट का मानना है कि सभी अहम विभाग अजीत पवार को दे देंगे तो उनके लिए कुछ नहीं बचेगा। अजीत पवार की डिमांड से मौजूदा बीजेपी और शिवसेना मंत्रियों के पास मौजूद कुछ अहम विभाग उनसे दोबारा लिए जाएंगे। इस बीच शिंदे गुट के विधायकों ने भी अपनी डिमांड रखनी शुरू कर दी है। शिंदे गुट के विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे पर दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि शिंदे गुट के 7 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। इनमें से भरत गोगाखले और संजय शेरसाट का नाम सबसे आगे है। अजीत पवार को फाइनेंस मंत्रालय ना मिले इसके लिए भी शिंदे गुट का दबाव बना है। शिंदे गुट की भी यह मांग है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार ना हो तब तक एनसीपी के मंत्रियों को विभाग ना दिया जाए। शिंदे गुट की भी यह मांग है कि उनके जिले का उन्हें ही प्रभारी बनाया जाए, एनसीपी मंत्रियों को नहीं। इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए आधी रात बैठकों के दौर के बाद भी हल नहीं निकल पाया तो दिल्ली का रुख किया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि गुरुवार शाम तक सभी मुद्दे सुलझाकर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी को लेकर अब विपक्ष आक्रामक है। विपक्ष का कहना है कि सब अपने गुड़ागड़ित और फायदे में लगे हैं, जनता की कोई सुध नहीं। 10 दिन बीत गए, मंत्रियों को उनका विभाग नहीं मिला, मंत्रियों को बंगले मिल गए, मंत्रियों को उनका कार्यालय मिल गया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण था दायित्व, जिम्मेदारी, वो किस चीज के मंत्री हैं, वही उन्हें नहीं पता। और यहां तक हो गया है हालत कि मंत्री अब जनता दरबार भी कर रहे हैं। कैसा जनता दरबार भाई, जब आपके पास विभाग नहीं, आपके पास दायित्व नहीं, जिम्मेदारी नहीं, तो आप क्यों ये नाटकबाजी कर रहे हैं। हम रोज खबरें सुनते हैं कि वर्षा बंगले पर रात के 2-2 बजे तक मीटिंग चल रही है, तीनों दलों में समन्वयता बैठाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपका मकसद यह है कि कितना मलाईदार विभाग हमें मिल जाए, कितना मलाईदार विभाग हमें मिल जाए, कैसे हम भ्रष्टाचार कर सकें, कैसे लूट खसोट कर सकें? अरे भाई, जनता जनार्दन ने आपको राज्य की सेवा के लिए चुना है, लेकिन आप तो अपने फायदे और नुकसान में लगे हैं। सरकार के इस स्थिति पर शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार ने भी तंज कसा है। सामान्य लोगों के मुद्दे के बारे में कोई नहीं बात कर रहा है, महाराष्ट्र की जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने कहा है कि सीबीआई और ईडी के चलते दिल्ली के चक्कर लग रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो वक्त काफी हो गया है अजीत पवार के सरकार में शामिल होने पर, लेकिन अभी भी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन सूत्रों की माने तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद तस्वीरें साफ हो गई हैं। एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार गुट को भी ये बता दिया गया है कि उनको कौन कौन से विभाग और किस तरह से विभागों का बंटवारा होगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जल्द ही महाराष्ट्र सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज।